हो गया। चलिए भाई, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो, क्या है हाल चाल, बवाल, केम छो, कसका है पीपल, आइए बड़ी 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 बड़ी, कैसे हो जाने मन, आइए जी, स्वीट दैट्स, स्वीट 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 दैट्स, स्वीट 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 दैट्स, आ जाओ स्वीट दैट्स। बापू तेरे करके मैं पैरा ते खलो गया, तू सैकलां ते गड्डी ते मैं गड्डी चौंका हो गया। बापू तेरे करके मैं पैरा ते खलो गया, तू सैकलां ते गड्डी ते मैं गड्डी चौंका हो गया। बापू तेरे करके मैं पैरा ते खलो गया, तू सैकला ते गड्डी ते मैं गड्डी चौंका हो गया। चलिए भाई, नमस्ते, कैसे हो, आ जाओ, क्या हाल चाल, कैसे हो भाई, कैसी चल रही है जिंदगी भाई, हाउस लाइफ स्वीडर्ट्स, कैसी चल रही है स्वीडर्ट्स लाइफ, कैसा लगा कल पहला दिन सीएस एग्जीक्यूटिव का, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा, तेरा पहला था है, देखो पहली पहली बार का मजा अलग है, क्यों, सही बात है गलत बात है, पहली बार में क्या डर भी लगता है और मजा भी आता है, सही बात है गलत बात है, हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। बापू तेरे करके मैं पैरा ते खलो गया, तू सैकला ते गड्डी ते मैं गड्डी चौंका हो गया। चलिए जी, आ जाओ जी, नमस्ते जी, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग पीपल। सर जी, आपके स्टूडेंट को थोड़ा मोटिवेट दीजिए, स्ट्रेस ले रहे हैं एग्जाम का। शालिनी जी, ये आज एक डालते हैं वीडियो मोटिवेशनल वाली, मस्त वाली। चलो आ जाओ, कैसे हो, तो कैसी चल रही है जिंदगी, कैसी चल रही है जिंदगी, हाउस लाइफ, एवरीथिंग फाइन, ऑसम, बढ़िया, सेक्सी, एक नंबर। चलिए, हाय पीपल, हाय, पहला डे, कल का लेक्चर देखे थे, कल का नहीं देखे, ओ अभी कैसे, आप कहाँ से हो मैडम, आप देखे देखे लग रहे हो आप मेरे को, आप हाँ आप बहुत देखे देखे लग रहे हो, आप सीएसईटी में आए थे क्या, कि एग्जीक्यूटिव में ही थे, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में ही थे तो वापस से अटेंड कर रहे हो, हाँ वही मैं कहा, चेहरा देखा देखा लग रहा है। और आप कहाँ से हो मैम, पुणे से ही हो, बहुत बढ़िया, और आप कहाँ से हो मैडम, पुणे से हो क्या, ओके, तेरे को बड़ी खुशी हो रही है, इसको पूछा तो मैंने, है अच्छा, अलग चल रहा था। चलिए आइए जी, शुरू करते हैं, तो यस, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी, काम से कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो प्रभु श्री राम से, जय जय श्री राम। आइए भाई, शुरू करेंगे, कल जो हमने पढ़ा था एक बार रिवाइज करेंगे, बढ़िया वाली पढ़ाई करेंगे, हियर वी गो पीपल, चलो पीपल, आ जाओ पीपल, कम ऑन पीपल। हमारा क्या चल रहा था रे, सोगा शुरू किया था, सोगा, व्हाट इज सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, लवली, एंड हाँ, और भाई साहब कल इतने एडमिशन हुए हैं अपनी एकेडमी में, इतने एडमिशन हुए हैं, वेबसाइट हैंग कर डाली थी उन्होंने, क्रैश हो गई थी वेबसाइट, वो ठीक करना पड़ा उसको, इतने एडमिशन हुए हैं कल। आशीष सर भी लाइक पैसा ही पैसा होगा, क्यों हमारे को 20,000 सैलरी में, आशीष सर भी लाइक पैसा ही पैसा होगा, 20,000 सैलरी, बट 20,000 इज पर डे ना, ये सब घटना काल्पनिक है बेटा, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, चलो ओके, शुरू करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आइए जी सारे बच्चे आ जाओ, सो आ जाओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी जान, बनारस की पान, जाने मन,
जाने जहान आ जाइए जल्दी से। मेरे बिना मैं रहने लगा हूं, तेरी हवा में बहने लगा हूं, जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूं। मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे। चलिए लवली, मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूं, हाँ तुझको जो पाया तो जीना आया। भैया एक्चुअली ना उसने बोला था अगर आप वायर खींचोगे ना तो उसका होल्डर निकल जाता है, वो वायर होल्डर से निकल जाती है, तो सामने में ना उसको आप ओपन कर दो और उसका होल्डर अटैच कर दो वायर से, वो वापस सही हो जाएगी। चलिए आ जाओ जी, तो कैसे हो आप, कैसी चल रही जिंदगी, जिंदगी फाइन है क्या, क्यों भाई, चलो जल्दी से आ जाओ, शुरू करते हैं। हियर वी गो पीपल, नाउ लास्ट लेक्चर में हमने सोगा शुरू किया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। पीपल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किससे डील करता है, मूवेबल और इमूवेबल, फिर से बताओ, मूवेबल की इमूवेबल, आवाज नहीं है, मूवेबल की इमूवेबल, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील करता है मूवेबल से, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट पीपल, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील करता है मूवेबल से, मूवेबल से, मूवेबल से, मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। गाइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है, जल्दी बताओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस, फिर से बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस, याद आया क्या, बिना देखे याद आया, मैं नहीं मान सकता है, बोलो एक बार, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज, आपने तो कल का लेक्चर देखा ही नहीं था, आप तो क्या ही बोलोगे, क्या ही बोलोगे, बोलोगे ही क्या बताओ, तो यूट्यूब पे देख लेना है कल का लेक्चर, ठीक है। हाँ क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस। व्हाट डू मीन बाय प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। देखो दो प्रकार की ओनरशिप होती है, एक दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है जनरल प्रॉपर्टी और एक होती है स्पेशल प्रॉपर्टी, क्या फर्क है इस पे? जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी पे क्या फर्क है, जनरल मीन जो सबकी है, स्पेशल मीन जो एक की है। वाह होशियार है लड़की, वाह। जनरल प्रॉपर्टी मीन्स आपकी वो चीज है, लाइक से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फोन खरीदा, दिस इज माई जनरल प्रॉपर्टी, लेकिन अगर मैं ये फोन आपके पास गिरवी रखूं तो मेरी तो ये जनरल प्रॉपर्टी बट आपकी क्या बन गई, स्पेशल प्रॉपर्टी, समझ रहे हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल मैंने ये कैमरा खरीदा, ये जो सामने है ये कैमरा, हाँ ये वाला ये कैमरा खरीदा, तो ये क्या है, जनरल प्रॉपर्टी, लेकिन ये कैमरा मैंने आपके पास गिरवी रखा तो आपकी इस पर क्या बन गई, स्पेशल प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली। तो याद रखना है, छोटी सी बात है बट एनीवे। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या जरूरी है, तो सबसे पहले दो पार्टी होना जरूरी है, क्या अकेला बंदा खुद से बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी बायलेटरल, क्या मैं खुद से बाइंग एंड सेलिंग कर सकता हूं, खुद ही को फोन बेचा, खुद ही को पैसे दिया, हाँ अगर करते भी हो तो वो पागलपन है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अरे यस और नो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कितनी पार्टी चाहिए, एटलीस्ट दो पार्टी, है ना, कल आए थे, कल का लेक्चर देखा है, चलो गुड, ओके। ट्रांसफर क्या करते हैं, ट्रांसफर क्या करते हैं, ओनरशिप, ट्रांसफर क्या करते हैं, ओनरशिप, कौन किसको देता है, सेलर ट्रांसफर टू बायर, सेलर जो है वो किसको देता है, बायर को, क्या देता है, ओनरशिप, किस चीज की ओनरशिप देता है, गुड्स की, एंड एग्जैक्टली गुड्स का मतलब क्या, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी बट इंक्लूड स्टॉक शेयर ग्रोइंग क्रॉप ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर अग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अग्रीमेंट टू सेल,
जिनको आता है वो, जिनको नहीं आता वो, क्यों यार इजी तो है, कल किया था हमने। क्या है कॉन्ट्रैक्ट, क्या है गुड्स, क्या गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी बट इंक्लूड स्टॉक शेयर ग्रोइंग क्रॉप ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फिर से बोलो क्या है, फिर से बोलो क्या है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी बट इंक्लूड्स व्हाट स्टॉक शेयर्स ग्रोइंग क्रॉप ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पक्का? अरे यस और नो, एक बार फिर से बोल दो, बोलो क्या। गुड्स मीन्स वॉट एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी बट इंक्लूड स्टॉक शेयर ग्रोइंग क्रॉप ग्रास और थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। याद आया? लवली स्वीट। अच्छा, बदले में क्या मिलता है? प्राइस, सेलर को प्राइस मिलता है। सारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, यहीं तक हमने कल पढ़ा था, आज हमें बाकी का शुरू करना है। चलिए जी शुरू करते हैं। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, हे वी गो पीपल, आ जाइए पीपल, चलिए पीपल, लेट्स स्टार्ट पीपल। ध्यान देंगे गाइस सभी लोग, एवरीवन विल लिसन वेरी केयरफुली नाउ। गाइस देखो यार, मेरी जान बनारस की पान, जाने मन जाने जान, ध्यान से सुनना। नो आ जाओ, बंद कर दो दरवाजा। हाँ जी, सो सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है ना, क्वेश्चन अराइजेस, सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है, सेल क्या होता है और अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, चलो बताओ। अगर आज ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्या है, सेल। फ्यूचर में ट्रांसफर करूंगा तो, फ्यूचर में ट्रांसफर करूंगा तो, आया ना, आज अगर ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो क्या है, सेल है। और अगर फ्यूचर में ट्रांसफर होगी तो क्या है, बहुत सिंपल है ना, फ्यूचर में ट्रांसफर होगी तो क्या है, अग्रीमेंट टू सेल है। यस और नो, आया ना, क्यों, इधर आओ, आजा आजा आजा। अच्छा मेरे भाई, बाकासुर का दोस्त है। चलिए अभी ध्यान देना, आइए, क्या खरीदेगा मेरे से, बोल क्या चाहिए तेरे को, फोन दे दो, चल ठीक है, फोन दिया तेरे को। अब मैंने इसके साथ अग्रीमेंट किया कि मैं इसको फोन दूंगा दो दिन बाद, कब दूंगा, दो दिन बाद, और इसने कहा पैसे भी है मेरे को दो दिन बाद देगा, तो ये क्या है, ये अग्रीमेंट टू सेल है। क्या बात है, होशियार हो यार तुम लोग, पैसे निकाल जेब से, 10, 20, 50 बैग में लेके नहीं, चल छोड़ इसको, पैसे समझ लेते हैं। हाँ, अब मान लो से फॉर एग्जाम्पल गाइस, इसको मेरे को पैसे देना है, बराबर है, मेरे को इसको फोन देना है, ठीक है, और सब तुरंत हो रहा है, लगेज सब कैसा हो रहा है, तुरंत एकदम राइट ना हो, तो ये क्या है, सेल। पक्का? अब मैं एक बार सेल हो गई, उसके बाद फोन गिरे टूटे फूटे कुछ भी हो जाए, मेरे जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार रहूंगा, मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। एक बार फोन की ओनरशिप इसको मिल गई, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं है, खत्म हो गई ना मेरी जिम्मेदारी। अरे यस और नो, मान लो मैं किराना दुकान वाला हूं, कौन हूं, किराना दुकान वाला, ये मेरे से शक्कर लेने आया, क्या लेने आया बेटा, शक्कर, शक्कर शुगर, तो मैंने एक झिल्ली में भर के, है ना, पॉलीथीन में भर के इसको मैंने शुगर दे दिया, जैसे ये लेके जा रहा था थैली फट गई, सारी शक्कर गिर गई, मेरा लॉस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। मतलब बहुत सिंपल है, सेल होने के बाद के लॉस किसके हैं, बायर के, सेल होने के बाद के लॉस किसके हैं, बायर के। अरे बहुत सिंपल है ना, एक बार सेल हो गया घंटा सेलर को मतलब नहीं, अब प्रोडक्ट तेरा, माल तेरा, जो करना है कर। अरे यस और नो, अरे सही बताओ, हाँ या ना, अरे सही बात है क्या। अब मेरी बीवी मेरा सर खाती है, मैंने अपनी एक दिन ससुर जी को फोन किया, मैंने कहा मेरी आपकी बेटी मेरा बहुत सर खाती है, बोलते हैं प्रोडक्ट सेल होने के बाद डिफेक्ट निकला तो आपका है, एक बार प्रोडक्ट सेल हो गया उसके बाद में जो डिफेक्ट है वो किसका हुआ, बायर का, सेलर का उस पर कोई राइट नहीं है। अरे यस और नो, अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तो सेल क्या है, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती है इमीडिएटली, बोलो कैसी होती है, इमीडिएटली। अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, एट अ सम फ्यूचर डेट, एट अ सम फ्यूचर डेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेल इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाई वी से इट इज एग्जीक्यूटेड, हम क्यों उसको एग्जीक्यूटेड बोलते हैं, क्योंकि इसमें हो गया,
जो हो गया वो एग्जीक्यूटेड, मैंने इसको गुड्स दे दिया, इसने मुझे पैसे दे दिया, सेल इज एग्जीक्यूटेड। वेयर एज अग्रीमेंट टू सेल क्या होगा? एग्जीक्यूटेड का उल्टा क्या होता है? साले लेक्चर नहीं देखा तो पढ़ाया भी नहीं हुई अभी मैंने, ईटी में पढ़ाया था। इसका उल्टा होता है एग्जीक्यूटरी, जो पेंडिंग है वो क्या है? एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटिव में और ये नहीं माता तेरे को, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी। चलिए ध्यान देना, तो सेल कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटेड। अग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी मतलब पेंडिंग है ना। अरे फ्यूचर में देना बाकी है ना रे, तेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? है, सब लोग कह रहे हैं। वो वाली जो पतली वाली आती है वही है क्या? अच्छा क्यों है क्या? कब से रिलेशनशिप? कितने साल हो गए? पता नहीं मतलब ज्यादा ब्रेकअप हो गया? ब्रेकअप नहीं हुआ तो फिर क्या चल रहा? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या तेरे साइड से कि उसके साइड से? भगवान के साइड से। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। सीएस बनना और सीएस बनने के बाद फिर उसके घर में जाके एक डीजे चलाना क्या? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतगाम देखेगी। पहले ही दिन जिस दिन सीएस बनाना, सीधा लेके जाना डीजे घर के बाहर और एक गाना चला देना जस्ट उसके बाद, चल हट बहन की। चलिए ओके, क्या बोलता है? जस्ट जस्ट उल्टा ना हो जाए बोलता है। चलिए भाई आ जाओ, अभी ध्यान देना। सेल एग्जीक्यूटेड, रुक बे, सेल एग्जीक्यूटेड, अग्रीमेंट टू सेल क्या है? एग्जीक्यूटरी। सेल एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट मतलब हो गया। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? इसमें कोई कंडीशन थोड़ी होती है यार, ये फोन खरीदना है ना 40,000 का है, दो 40,000 लेके जाओ भैया, एब्सोल्यूट है। इसने मान लो मेरे को 40,000 दे दिया, 40,000 रुपए मैंने इसको फोन दे दिया, खत्म, बात खत्म हो गई। सेल होने के बाद कोई कंडीशन फंडीशन नहीं होती, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है और इसमें कंडीशंस भी हो सकती है। लाइक मैंने इसको बोला तू सुबह 5 बजे आया तो बेचूंगा, तेरा कुत्ता मिल गया तो बेचूंगा, तेरा ब्रेकअप नहीं हुआ तो बेचूंगा, अगर उसने तेरे से शादी की तो बेचूंगा। अग्रीमेंट टू सेल में कंडीशंस हो सकती हैं बहुत सारी, है ना? बोलो हाँ या ना। अरे समझ में आया क्या? पहले तो ये तीन डिफरेंस मेरे को बताओ, समझ में आया क्या? सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? इमीडिएटली। अग्रीमेंट टू सेल में? फ्यूचर में। सेल इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज अग्रीमेंट टू सेल इज अ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सेल इज एब्सोल्यूट, वेयर एज अग्रीमेंट टू सेल में भी कंडीशनल। लवली, ये आता एग्जाम में, हल्के में मत लेना इसको। ये खासकर जो आपका इसके पहले सब्जेक्ट था ओल्ड सिलेबस में ईबीसीएल, उसमें तो भाई साहब हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में आईसीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, यू कैन चेक पास्ट ईयर क्वेश्चन आल्सो, बड़ा फेवरेट है आईसीएसई का। अब ध्यान देना, इसके बाद है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, रिस्क किसका होगा? रिस्क किसका होगा? क्यों बटन लगा बे? रिस्क किसका होगा? गंदी नजरों से देख रहे हैं तेरे को सब ऑनलाइन वाले, अंकित गंदी नजर से देखता है उसको, शर्म नहीं आती। हाँ, रिस्क किसका होगा? सेल होने के बाद बायर का। एब्सोल्युटली करेक्ट, सेल होने के बाद बायर का। सेल होने के बाद लॉस किसका है? बायर का। एक बार गुड सेल हो गए उसके बाद के लॉस किसके हैं? अरे बोलो, एक बार गुड सेल हो गए उसके बाद के लॉस किसके हैं दादा? फिर खो गए कुछ भी हो जाए तो फिर उसमें मतलब सेलर का लॉस नहीं है। ये मेडिकल शॉप गया, एक छोटा सा इसने ये खरीदा, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं उसको, हाँ बैंडेज। क्या खरीदा? बैंडेज, चोट लग गई थी। हाँ अब वो मुझे क्या पता कहाँ लगी थी भाई, तेरे को पता होगा, ठीक है, दिल में, हाँ दिल में नहीं, तो एक छोटा सा बैंडेज खरीदा। क्या खरीदा? बैंडेज, ठीक है, दर्द हो गया था, छिल गया था बेचारे का, तो क्या हुआ कि बैंडेज खरीदा इसने छोटा सा एक, मेडिकल शॉप से लेकर निकला। अब वो बैंडेज क्या हुआ, जेब से गाड़ी चला रहा था, जेब में रखा था बैंडेज, गिर गया। तो क्या बायर का लॉस कि सेलर का लॉस? बायर का। वंस ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, भाई जो भी लॉस है, बैंडेज का कुछ लॉस है, कुछ भी लॉस है, एनी लॉस विल बी बॉर्न बाय द बायर ओनली, यस और नो? मेरी मम्मी ने बोली बेटा आते आते पाव भाजी लेके आना, मैं पाव भाजी खरीदा, पाव भाजी ऐसा लेके जा रहा था, गिर गई, किसका लॉस? बायर। अरे यस और नो, लॉस किसका? नहीं नहीं, गाड़ी खरीदा भाई ने, भाई का बर्थडे कब आता है? 4 अगस्त को, 4 अगस्त को भाई का बर्थडे था, ठीक है, भाई ने गाड़ी खरीदा, नहीं कौन सी कार पसंद है? हाँ नैनो, ठीक है, तो नैनो खरीदा, कौन सी कार खरीदा भाई ने? नैनो, नैनो कार खरीदा।
बढ़िया 1.5 लाख रुपए का चेक दिया, नैनो कार उठाया, नैनो कार लेके शोरूम से निकला सीधा, मैं निकला गड्डी लेके, भाई का बर्थडे था, भाई एकदम टोपी लाल, शर्ट लाल, पैंट लाल, जूते लाल, बोले लालम लाल दिन है आज। उसके बाद में कार लेके निकला, कार भी कौन सी लाल, शानदार, पैसे ऐसे दे दिया, ओनरशिप ले लिया, जा रहा था रास्ते से, सिग्नल देखा कौन सा लाल, बोले तो शगुन है, क्या है ये तो शगुन है, तोड़ दिया, फुल स्पीड से आगे निकला 60 की, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, भाई की गाड़ी ठोकर हो गई, ठोकर गंदी सी ठोकर हो गई। अब मेरे को बता लॉस किसका, बायर का। एक बार गुड सेल हो गए उसके बाद सारे लॉस किसके हैं, बायर के। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल था, मान लो अग्रीमेंट टू सेल था, लाइक फॉर एग्जांपल मैं पाव भाजी वालों की आया, बोला भैया भैया शाम में 10 प्लेट पाव भाजी लेके जाऊंगा, बना के तैयार रखियो। मैंने बना के तैयार बना रहा था, मतलब बनाते 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 उसमें छिपकली गिर गई पाव भाजी में। लॉस किसका, सेलर का। लॉस किसका, सेलर का। नहीं खिलाऊंगा, टेंशन मत ले वैसी वाली, ठीक है। अच्छा मान लीजिए से फॉर एग्जांपल कि मेरे को इसको 1 किलो शक्कर नाप के देना था, मैं ही नाप रहा था, मेरे से ही थैली गिर गई। लॉस किसका, सेलर का। इसने बोला था मोदी सर आपका फोन चाहिए 2 दिन बाद, 2 दिन बाद चाहिए था, कल ही ब्लास्ट हो गया। लॉस किसका, सेलर का। यानी अग्रीमेंट टू सेल होने के बाद लॉस किसके हैं, सेलर के, क्योंकि ओनरशिप अभी तक बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है। लेकिन सेल में एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो गई बायर को, तो सारे लॉस उसके बाद के किसके हैं, बायर के। समझ में आया क्या, लवली पीपल। नेक्स्ट है इसके बाद में दोस्तों, अब ये वाला एक देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब तू बैठ जा बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया, गर्लफ्रेंड आ नहीं रही तेरी लेक्चर में यार, दूसरी देखेंगे ऐसा बोल रहा है। 36 आएगी, 36 जाएगी, तेरी वाली तेरी मम्मी लाएगी, क्यों बैठ। चलिए आइए जी, ध्यान देंगे सारे बच्चे, आ जाओ। मन में हो रोरी है सर, एक डाउट, हैवी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के केस में टाइम ऑफ डिलीवरी जो सेलर लोग करते हैं, बायर देंगे पैसे दे दिया सामान, घर पहुंचते वक्त सामान डैमेज निकला तो क्या किसका लॉस होगा। बेटा बात समझना दादा, आगे पढ़ेंगे, डिलीवरी में लॉस हुआ तो किसका होता है, जनरली एक बार गुड्स डिलीवरी कहता हूं, ट्रांसपोर्ट पे क्या तो लॉस किसका होता है आगे बताऊंगा, लेकिन अभी भी बता देता हूं। एक बार गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए निकले तो माना जाता है बायर इज द ओनर, ट्रांसपोर्टेशन के लॉस बायर, लॉ कहता है बायर के है, सेलर के हाथ से वो निकल गया, ऐसा लॉ कहता है। आगे इसके एक्सेप्शन और वो सब है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अभी तो हम बहुत बेसिक सी चीज पढ़े हैं, अभी तो ये भी नहीं पढ़ा है कि किस पॉइंट पे ओनरशिप ट्रांसफर होती, वो आगे आएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखा है, सेल होने के बाद के लॉस किसके हैं, बायर के, सेल होने के पहले के लॉस सेलर के। इट्स वेरी सिंपल एज दैट। नाउ ध्यान देंगे, अब सुनना मेरी बात, अगर से एक्सक्यूज मी, चलिए राइट्स ऑफ अ सेलर अगेंस्ट बायर क्या है, भाई साहब ध्यान देना, अब एक समझना बात को, ठीक है, समझोगे बात को, ठीक है। अब मान लो अपने अब्बड़ सर हैं, उनका बेबी हो गया, क्या हो गया अब्बड़ सर का, छोटा गया, तो बड़ा ही थोड़ा ही होगा, छोटा ही होगा ना, ठीक है। अब्बड़ सर का बेबी हो गया, ठीक है, अब्बड़ सर जो है अपने बेबी के लिए बोले कि मेरा बच्चा दूध नहीं पिएगा, मेरा बच्चा सीधा स्टार्टिंग ही करेगा विस्की से, किससे स्टार्ट करेगा, सीधा विस्की से, बोले मेरा बच्चा है वो, मेरा बच्चा है तू, अब्बड़ सर बोले विस्की पिएगा सीधा। तो अब्बड़ सर, मेरी दारू की दुकान थी, अब्बड़ सर आए और मेरे से दारू की बोतल लेके गए अपने बच्चे के लिए, ठीक बराबर। अब लेके तो गए, पैसा नहीं दिए साला, सेल हो गया गुड्स लेकिन पैसा नहीं दिया उसका, तो मेरा अब्बड़ सर पे क्या राइट है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या उखाड़ सकता हूं अब्बड़ सर का। तो भाई साहब वही हमें पढ़ना है, मैं क्या उखाड़ सकता हूं, मैं केस कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, स्यू कर सकता हूं बायर पे, मतलब बायर मतलब अब्बड़ सर पे केस कर सकता हूं। हो सकता है गुड्स मेरी पोजेशन में, अब्बड़ सर की पोजेशन में, लेकिन एक बार गुड्स सेल हो गए ना तो मैं अब्बड़ सर पे सू कर सकता हूं, सू मतलब केस कर सकता हूं, उसे सू नहीं स्यू कहते हैं, क्या कर सकता हूं, स्यू, किस पे, अब्बड़ सर पे, समझ आया। अच्छा इसी का विपरीत लेते हैं, अब्बड़ सर ने मान लो मेरे को पैसे दे दिए, मैंने बोला गुड्स आपके हो गए लेकिन मैं अभी तक दे नहीं रहा हूं, मेरे पास ही पड़े हैं, देखो हम सा खेले बेटा, ठीक है। अब्बड़ सर ने मान लो मेरे को क्या दे दिए हैं, पैसे दे दिए हैं, मेरे को अब्बड़ सर को गुड सेल करना है, ठीक है, मेरे को अब्बड़ सर को गुड सेल करना है, मैंने बोल दिया कि गुड्स आपके हो गए लेकिन दे नहीं रहा हूं, रोज फोन कर रहे हैं, अरे भेजो भेजो दारू भेजो दारू भेजो, मैं भेज ही नहीं रहा हूं, तो अब्बड़ सर काय के लिए केस करेंगे।
तो अब्बड़ सर का राइट है, वो केस करेंगे अब्बड़ सर की, डैमेजेस दो, क्या दो, डैमेजेस दो, और साथ में हो सकता है वो मेरे को केस करेगी, मेरे को वो गुड्स दो एज अ स्पेसिफिक रिलीफ, मेरे को वो गुड्स ही चाहिए, साथ में डैमेजेस भी मांग सकते हैं। हाँ है ना, बहुत ईजी है ना। अच्छा, अगर अग्रीमेंट टू सेल था, मान लो मैंने बेचने का वादा किया था और मुकर गया, मैंने आपको बेचने का वादा किया था कि मैं आपको मेरी गाड़ी बेचूंगा बट नहीं बेचा, तो आप काय के लिए केस करोगे, डैमेजेस, मतलब आप काय के लिए केस करोगे, डैमेजेस। और इवन बायर ने बोला था मैं खरीदूंगा, नहीं खरीदा, तो भी सेलर किसके लिए केस करेगा, डैमेजेस, एज सिंपल एज दैट। अगर आपने और मैंने खरीदने बेचने का वादा किए थे, नहीं खरीदे बेचे, तो जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया यानी तोड़ा, उसे क्या देना पड़ेगा, डैमेजेस। तो बहुत सिंपल है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल भाई, एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, इन अग्रीमेंट टू सेल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट। सेल इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज अग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सेल इज एब्सोल्यूट, वेयर अग्रीमेंट टू सेल मे बी कंडीशनल। After sale loss will be borne by buyer. At agreement of sale, ownership remains with seller. So who is responsible? Seller is only responsible. At time of sale, if buyer breached the contract, seller can sue the buyer for the price. है ना? In agreement to sale, seller, if buyer breached the contract, seller can sue for the damages. है ना? In sale, if seller sorry. If seller doesn't deliver the goods, then buyer can case for damages as well as for specific performance. And in agreement to sale, if seller breach the contract, buyer can sue for damages. So, excuse me. So, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। बोलो yes or no. सर ये नोट भेज दो ना ग्रुप में। हाँ जी, कल मिल जाएंगे आपको। अरे यार पानी दे रहा तो मन में तो राम तेजो आज क्या है, मेरे पापा का बर्थडे है। तो क्या है, मम्मा ने पेल के खिला दिया आज, बहुत खाली आज। हाँ क्या बेटा, ले सकते ना। चलिए आ जाइए भाई, अभी सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये नोट्स आपको बेटा, देखो जितने भी बच्चे हैं आप यूनिक में ऑर्डर भी दे सकते हो नोट्स का, अगर आप चाहो ऑर्डर भी दे सकते हो और प्रिंट भी करवा सकते हो, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। लेकिन ये नोट्स किसी को शेयर मत करना, बस आपको मिल जाएंगे, अपने तक ही रखना। किसी को मेरे को पता चला कहीं से कहीं तक शेयर हुए, बैंड बजा दूंगा तुम्हारी। चलिए आ जाइए, ध्यान देंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे ध्यान दो। ओए एक बार हिंदी में देख लो फटाक से, सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, लगेज तुरंत। अग्रीमेंट टू सेल में एट अ फ्यूचर स्टेट। सेल इज एग्जीक्यूटेड, अग्रीमेंट टू सेल इज अ एग्जीक्यूटरी। सेल इज एब्सोल्यूट, अग्रीमेंट टू सेल में भी कंडीशनल। सेल होने के बाद के लॉस, बायर के। अग्रीमेंट टू सेल हुए तो भाई सेलर ही ओनर है, उसी के लॉस है। हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, सेलर ने बायर को गुड्स बेचा लेकिन बायर ने पैसे नहीं दिए, सेल हो गए, तो सेलर क्या करेगा, डैमेजेस के लिए केस करेगा, सू करेगा, यस और नो। इनफैक्ट बायर ने वादा किया था अग्रीमेंट टू सेल का कि मैं खरीदूंगा, नहीं खरीदा, तो भी सेलर क्या करेगा, डैमेजेस के लिए केस करेगा। अरे हाँ या ना। अच्छा मान लीजिए सेलर ने गुड्स बेच सेल कर दिया लेकिन अभी तक बायर को दे ही नहीं रहा है, गुड्स दे ही नहीं रहा है। बायर रोज आता है, देव भाई पैसे दे चुका हूं मैं, सेल हो चुके हैं, देव भाई वो दे ही नहीं रहा। तो बायर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी केस कर सकता है और डैमेजेस का भी केस कर सकता है। हाँ या ना। और अगर से वादा था सिर्फ सेलर का कि मैं बेचूंगा, नहीं बेचा, तो भी बायर डैमेजेस का तो केस कर ही सकता है। यस और नो गाइस। तो ये है, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। याद रहेगा क्या सभी लोगों को, एवरीवन यस और नो। लवली गाइस, नेक्स्ट है सेल और बेलमेंट में क्या फर्क है, आइए देखते हैं। हैप्पी बर्थडे टू अंकल जी, उनकी तरफ से थैंक यू। ऑफलाइन क्लासेस कहां चलती है बेटा, मंगल ग्रह में अपनी क्लास है, मार्स में वी हैव अ स्मॉल क्लास इन मार्स। चंद्रमा में जमीन खरीदना आपको मिल रही है, खरीदना है क्या, 100 रुपए में मिल रही है, मेरे को ये समझ नहीं आता सारा, बेच कौन रहा है, हैं? मिल तो जाती है चंद्रमा में, मार्स में, जुपिटर में जमीन मिल रही है, लेकिन साला बेच कौन रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। ये किसकी, किसने अपना चांद पे हक जता दिया साला, जो अपनी जमीन बेच रहा है चांद पे, हैं? बड़ी मन में ना ऐसे लॉजिक से क्वेश्चन आते हैं बड़े से। मैंने बताया था ना उस दिन, एक क्वेश्चन आया था मेरे मन में कि बच्चा बाहर आने के, बाहर रोता है तो पेट के अंदर क्यों नहीं रोता,
आवाज आनी चाहिए ना, पेट के अंदर भी रोता है वो, कहती है बताओ वाह होशियार होशियार लड़की, कहती है पेट के अंदर भी रोता है वो, आवाज तो नहीं आती, आप रोते थे। चलिए आइए सेल और बेलमेंट में क्या फर्क है आइए देखते हैं भाई, ठीक है सेल और बेलमेंट में क्या फर्क है। सर एप्लीकेशन पे लेक्चर नहीं दिख रहे हैं, अबे चला ही नहीं रहे आज तो कहां से दिखेंगे, जब चलाएंगे तब दिखेंगे, कैसी बात करते हो यार। चलिए आ जाओ, सुबह सुबह गांजा फूंक दियो, अंजलि के साथ मत रगड़ो इतना। चलो आ जाओ अभी सारे बच्चे ध्यान देंगे, सेल और बेलमेंट में क्या फर्क है आइए लेट्स अंडरस्टैंड। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, बेलमेंट क्या होता है समझते हैं, बेलमेंट क्या बेटा, बेलमेंट क्या होता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट समझते हैं, बेलमेंट का मतलब क्या, किसका मतलब, बेलमेंट आवाज नहीं है फिर से बोलो, बेलमेंट का क्या मतलब, आओ प्रथमेश समझते हैं बेलमेंट का मतलब। यह प्रथमेश भाई हमारे डांसर भाई, क्यों ही इज अ डांसर, आज डांस करके बताएंगे, एक आध स्टेप करके बता दे यार, चल एक तो कर दे यार, क्यों कल क्यों, एक एक स्टेप कर दे जो सबसे बेस्ट आती है तेरे को, अभी और क्या, चल मैं गाना गाता हूँ एक स्टेप करके बता। ये हमारा भाई ऑलराउंडर है, तू लगावे लु जब लिपस्टिक ही, अरे एक स्टेप यार, ही ले ले सारा डिस्टिक, हाँ ठीक है ना, तो ठीक है ओके, तू लगावे लु जब लिपस्टिक ही ले ले सारा डिस्टिक, लॉलीपॉप लागे लु कमरिया कमरिया, उसके आगे नहीं आता मेरे को, चल ठीक है। हाँ ये है हमारा भाई प्रथमेश, ठीक है प्रथमेश, मेरे को तेरे जूते पसंद आ गए, निकाल दे ठीक है। प्रथमेश के क्या पसंद आ गए, जूते पसंद आ गए भाई मेरे को प्रथमेश के, ये देख सकते हैं सब लोग दोस्तों, बहुत ही बढ़िया गोबर नहीं लगा है, ठीक है जूते क्या पसंद आ गए, जूते मेरे को प्रथमेश के जूते पसंद आ गए। मैंने कहा ये जूते मेरे को दो दिन के लिए चाहिए, ठीक है कितने दिन के लिए चाहिए, दो दिन। अब दो दिन के लिए मैंने जूते लिया और दो दिन बाद वापस कर दूंगा, ये सेल है कि बेलमेंट है, इसे कहते हैं बेलमेंट, क्या कहते हैं इसे कहते हैं बेलमेंट। अब मुझे प्रथमेश की पैंट पसंद आ गई है, ठीक है अभी क्या पसंद आ गई है प्रथमेश की पैंट, डू द फेवर, अरे क्या हो गया कुछ नहीं होता। चलिए एनीवे सो नाउ गाइस इसे कहते हैं बेलमेंट, बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट इज टेम्पररी पीरियड के लिए किसी व्यक्ति से कोई चीज ले लिया, यूज करने के बाद वापस दे देंगे, यूज करने के बाद वापस दे देंगे। इनफैक्ट अगर मैं मोबाइल रिपेयरिंग के लिए भी डालता हूं ना तो वो बेलमेंट ही है, मैंने उन्हें अपना मोबाइल दिया वो रिपेयर करके मुझे वापस दे रहे हैं। इवन फैक्ट अगर मैंने मान लो ये टेलर है, कौन है ये टेलर, ठीक है तो एक लड़की आई इसके पास में कि भैया ये कपड़ा लो और इससे सलवार सूट सिल के दो, क्या सिल के दो, सलवार सूट सिल के दो, ये लो कपड़ा, तो ये टेलर है इसने उस कपड़े का क्या सिला, सलवार सूट, और लड़की को वापस दिया, तो ये भी एक बेलमेंट है। बेलमेंट मतलब क्या होता है, सामने वाले से चीज लेना और उसकी चीज उसको वापस करना, है ना। अब जैसे मान लो इसके पास एक बहुत प्यारा कुत्ता है, कौन है बहुत प्यारा कुत्ता, आपको कुत्ता पसंद है, बहुत पसंद है, क्या नाम है आपका, शालिनी, इसने कुत्ता शालिनी को दिया तीन दिन के लिए, तीन दिन बाद शालिनी ने कुत्ता इसको वापस दे दिया, ये भी क्या है बेलमेंट। सेल और बेलमेंट में क्या फर्क है बेटा, हाथ कहां कहां, किधर किधर बेटा, थोड़ा दूर दूर रखो, ठीक है। सेल और बेलमेंट में क्या फर्क है, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, क्या ट्रांसफर होती है, ओनरशिप, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, फिर से बोलो इसमें क्या ट्रांसफर होती है, अरे फिर से बताओ इसमें क्या ट्रांसफर होती है, तो याद रखना मेरे भाई इसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती है, फिर से लो क्या ट्रांसफर होती है इसमें, ओनरशिप, किसमें, सेल में, वेयर एज बेलमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर होती है, पोजीशन, आई एम ट्रांसफरिंग द पोजीशन ऑफ गुड्स टू हिम एंड आफ्टर सर्टेन टाइम ही विल गिव इट बैक टू मी, दिस इज नोन एज सिंपली अ बेलमेंट। लाइक आप किसी दोस्त के घर गए, बोला यार तेरी यार मेरे को ये पसंद आ गई यार, ये क्या कहते हैं इसको, तेरी किताब पसंद आ गई, ये जो सामा सूत्र की किताब है तेरी, ये मेरे को पसंद आ गई है, चार दिन के लिए मेरे को दे दो, चार दिन बाद तेरे को वापस दे दूंगा, ये क्या है बेलमेंट, समझ। दोस्त की शर्ट लाओ कभी उधार, शर्ट पैंट कभी लियो, कुछ उधार नहीं लिए कभी दोस्त से, कुछ दिए हो कभी, कभी गाड़ी लियो दूसरे की, भैया एक मिनट चाबी देना आता हूं मैं 15 मिनट में, ये बहुत बड़ा स्कैम है, 15 मिनट बोल के जाते हैं साले, चार चार घंटे नहीं आते, ये जो दोस्त होते हैं ना 15 मिनट में आता हूं भाई गाड़ी की चाबी देना,
चार चार पांच पांच घंटे हो जाते हैं, फोन लगाते बैठो अपन, नहीं आते हो, बहुत बड़ा स्कैम है। तो ये बेलमेंट है, क्या बेटा ये? दिस इज नथिंग बट अ बेलमेंट। पड़ोसी आए कभी, नेल कटर देना, कैंची देना, हाँ, तो ये बेलमेंट है, यूज करने के बाद वापस देते हैं, इसे कहते हैं बेलमेंट, याद रखना। सेल और बेलमेंट में क्या फर्क है? सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बेलमेंट में सिर्फ क्या ट्रांसफर होती है? पजेशन। ठीक है, सेल में याद रखना ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो पजेशन तो होगी ही होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार पजेशन हो। कई बार मान लो मेरे पास गुड्स है, उसका ओनर हो सकता है प्रथमेश बन गया, लेकिन ये पजेशन बाद में लेके जाए, ऐसा हो सकता है ना? नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हमने दुकानदार को बोल दिया वो गुड्स मैं ले रहा हूं, संभाल के रखना, बाद में लेके जाऊंगा, ऐसा होता है कई बार। तो ये क्या है? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, लेकिन अभी तक पजेशन ट्रांसफर नहीं हुई। पजेशन मतलब समझता है ना, लाइक ये फोन का ओनर मैं हूं, इसे यूज करने दिया, तो इसके पास क्या है? पजेशन। मेरे पास क्या है? ओनरशिप। सेल में दोनों ही ट्रांसफर होती है, हो सकता है ओनरशिप तो तुरंत होगी, पजेशन हो सकता है बाद में हो। बेलमेंट में सिर्फ क्या ट्रांसफर होती है? पजेशन, सिर्फ और सिर्फ पजेशन ट्रांसफर होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जो सेल में जो सेल करता है वो कौन है? सेलर, और जिसको मिलता है वो बायर। बेलमेंट में जो देता है वो बेलर, जो देता है वो बेलर, जो लेता है वो बेली, जो लेता है वो बेली, एक जो देता है वो बेलर और जो लेता है वो। मैंने इसे फोन तीन दिन के लिए यूज करने दिया, मैं कौन हूं? बेलर। ये कौन है? क्यों मेरे बेली? अभी ध्यान देना, सेल्स कहां से चलता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। कहां से चलता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। और बेलमेंट चलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। बेलमेंट कहां से चलता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, कीप लर्निंग लिखते हैं। ये लड़का बहुत हैंडसम है, क्यों भाई हैंडसम हैंडसम बोल रहे हैं भाई? तेरे को कुछ जवाब रिश्ता पक्का समझ ले? नहीं नहीं कहता है, पहले से है। चलो ओके सर, बहुत डर लग रहा है, क्या करें? अरे डरवर क्या है यार, मेहनत करो बस, डरवर छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिंदगी में ये सोचने का, जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सोचने की, क्या? जो होता है बेस्ट अच्छे के लिए होता है। चलो समझ में आया बेलमेंट? चलो बैठ जाओ बाबू। नेक्स्ट है सेल और हायर परचेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा? सेल और हायर परचेस। एक हायर परचेस भी देख लेते हैं, क्या है हायर परचेस, किसी को पता है आप में से? व्हाट इज हायर परचेस? व्हाट इज हायर परचेस? एनीवन फ्रॉम यू गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय हायर परचेस? हाँ नहीं 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 नहीं, हायर परचेस मतलब होता है इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे, इसे कहते हैं हायर परचेस। पैसा कब देंगे? इंस्टॉलमेंट में। पजेशन कब मिल जाएगी? पजेशन कब मिल जाएगी? पहली इंस्टॉलमेंट पे करने पे। लाइक आपने डाउन पेमेंट किया, गाड़ी लेके आ गए, है ना? डाउन पेमेंट किया, गाड़ी घर ले आके आ गए, ये गाड़ी की क्या मिल गई? पजेशन। लेकिन गाड़ी की मालिकाना हक कब मिलेगा? ओनर कब बनोगे? एट द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट यू विल बिकम द ओनर। क्यों? उसकी तारीफ करो ना, ऐसे करती है। ठीक है ओके, तो ध्यान देना। सो याद रखना मेरे भाई कि हायर परचेस में आप ओनर कब बनते हो? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। हायर परचेस में आप ओनर कब बनते हो? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। पजेशन कब मिलती है? ऑन द पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्शन टू बाय। इसमें बायर के पास राइट होता है, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। समझ जाता हूं, जैसे मान लो से फॉर एग्जाम्पल मैंने कार खरीदा, तीन इंस्टॉलमेंट पे किया, उसके बाद समझ आया भाई अपनी औकात नहीं है इससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट पे करने की। क्या बोला? क्या बोला सेलर को? आ अपनी गाड़ी लेके जा, दिस इज अ हायर परचेज। मेरे पास सिर्फ पजेशन रहेगी, क्या रहेगी मेरे पास? सिर्फ पजेशन। हायर परचेज इज नोन एज अ ऑप्शन टू बाय। इट्स व्हाट? ऑप्शन टू बाय। बोलो क्या है बेटा? ऑप्शन टू बाय। इसको ऑप्शन टू बाय बोलते हैं। इसमें ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर होती है, सॉरी पजेशन तुरंत ट्रांसफर होती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने पे। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। आप इसमें कभी भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है हायरर। हायरर इसमें कभी भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है, आइए देखते हैं। सर एग्जाम में जो डिफरेंस बिटवीन ही आते हैं, सेम जो नोट्स में लिखा है वैसे ही लिख सकते हैं। बिल्कुल शिवानी सिंह, कोई बात ही नहीं है, 100% पूरे नंबर मिलेंगे अगर ऐसा लिखा तो। चलिए आ जाइए भाई,
करण कलल कलाल लिखते हैं कि भाई वीडियो देख के बस कुछ समय के लिए मोटिवेट रहते हो, अगर हमेशा मोटिवेट रहना तो मम्मी पापा का स्ट्रगल देखो और खुद मेहनत करो, डू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। क्या बात है करण भाई। सर अगर हायर परचेस में इंस्टॉलमेंट अगर आधी हुई बट अगर पे नहीं कर पाए तो मनी वापस मिलेंगे या नहीं? गौरी जी नहीं मिलता, पैसा वापस नहीं मिलेगा, जो प्रोडक्ट है वो भी जाएगा। अभी ध्यान देना, सेल और अग्रीमेंट, हायर परचेस में क्या फर्क है? सेल एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, हायर परचेस एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायरिंग अग्रीमेंट है। सेल में पजेशन हो सकता है इमीडिएटली ट्रांसफर ना हो, हायर परचेस में कब ट्रांसफर होती है? इमीडिएटली। कैसे ट्रांसफर होती है गाइज? मैंने कार खरीदा हायर परचेस में, पहला डाउन पेमेंट क्या हो, मेरे को कार की पजेशन मिल जाएगी, बोलो हाँ या ना? वेरी सिंपल इज, ठीक है। अच्छा याद रखना इस बात को, ओनरशिप सेल में तुरंत ट्रांसफर होती है और ओनरशिप हायर परचेस में कब ट्रांसफर होगी? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो ओनरशिप मिलेगी किसमें? हायर परचेस में, बोलो हाँ या ना? सेल होने के बाद बायर कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकता। सेल होने के बाद क्यों? भैया नहीं चाहिए, गलती से ले लिया। हाँ सेल होने के बाद नहीं हो सकता, हायर परचेस में हो सकता है कि भैया आपने पहली इंस्टॉलमेंट ही पे की है, आपने बोला भैया नहीं चाहिए तेरा गुड्स लेके जा, हायर टर्मिनेट कर सकता है इन हायर परचेस। हायर परचेस में टर्मिनेट करने का राइट है, वेयर एज सेल में टर्मिनेट यानी खत्म करने का राइट नहीं है। है ना? इजी सिंपल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या हो गया बेटा? हां जी क्यों डार्लिंग, आ जाओ। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, एडमिशन किया आज, जो हमारे यहां फर्स्ट डे होता है उसको गाना गाना पड़ता है। अब भी इसने गई, कहां गई है? अब भी गई गाना, थोड़े देर 5 मिनट हुआ। हाँ चल ठीक है भाई, कहां से? शिरडी से है क्या? जय साईं राम, ओम साईं राम। चलो भाई आ जाओ। ओके, कल का लेक्चर देखा था? नहीं देखा था, यूट्यूब पे देख लेना भाई। ओके चलिए आ जाओ, सारे बच्चे ध्यान देंगे। सो ओनरशिप सेल में कब ट्रांसफर होती है? ऑन द पेमेंट ऑफ, तो इमीडिएटली सेल में तो इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, हायर परचेस में कब ट्रांसफर होती है? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। इजी पीपल। अच्छा मेरे को बताओ, सेल में बायर के पास टर्मिनेशन का राइट नहीं है, वेयर एज हायर परचेस में टर्मिनेशन का राइट है ना, जैसे कि हमने देखा। बिल्कुल। अच्छा मेरे को एक बात बताओ दोस्त, सेल होने के बाद क्या सेलर बायर के पास आके गुड्स ले जा सकता है? सेल होने के बाद सेलर बायर के पास आके गुड्स लेके नहीं जा सकता, लेकिन हायर परचेस में अगर बायर ने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, हायर परचेस में अगर बायर ने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो सेलर क्या करेगा? उसका मुंह थोड़ी देखता रहेगा, जाएगा अपने गुड्स ले आएगा सेलर। अरे यस और नो? देखो यार सेल में ना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेलर गया और गुड्स लेके आ गया, सेल होने के बाद तो गुड्स बायर के हैं, लेकिन हायर परचेस में ये चीज 100% पॉसिबल है कि भाई अगर बायर ने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया सेलर जाएगा अपने गुड्स ले आएगा। यस और नो? है ना जी। अच्छा सेल जो है वो याद रखना जरूरी नहीं है रिटर्न हो, हायर परचेस रिटर्न ही होना चाहिए। सेल जरूरी नहीं है रिटर्न हो, चॉकलेट खरीदने जाते हो रिटर्न होता है क्या? सेल जरूरी नहीं है रिटर्न हो, लेकिन हायर परचेस रिटर्न ही होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है बिटवीन सेल एंड हायर परचेस। किसका डिफरेंस है बेटा? सर किसी को ओनरशिप और पोजेशन का डिफरेंस नहीं समझा रहे भाई, क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो यार। ओनरशिप मतलब मालिकाना हक, लाइक ये फोन, ये मान लो माउस, ये माउस की पोजेशन मेरे पास है, लेकिन ये माउस की ओनरशिप आशीष सर की है, तो आशीष सर इसके ओनर है माउस के, लेकिन मेरे पास क्या है? सिर्फ इसकी पोजेशन। समझ रहे हो ना? पोजेशन मतलब वो चीज आपके पास है, लेकिन जरूरी नहीं आप उसके मालिक हो। इसके मालिक कौन है? आशीष सर है ना। मैं इसे अगर तोड़ दूं तो आशीष सर बोलेंगे पैसा दे, क्योंकि इसके मालिक कौन है भाई? महेश भाई। कौन है इसके मालिक? आशीष सर मालिक है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? महेश भाई देखो सही बोल रहा हूँ बोले। चलिए ओके, याद रखना इस बात को। ओके पीपल, हाँ या ना? आर यू श्योर? वेरी वेरी श्योर? लवली गाइस, बहुत बढ़िया गाइस, एक नंबर गाइस, सेक्सी गाइस, जबरदस्त गाइस। सो यस, एक बार जल्दी से बता दो फटाफट 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 फटाफट। अच्छा इस बार मैं आपको बता दूं, जून महीने में, कौन से महीने में? जून महीने में हम ढेर सारे इस बार नाइट लेक्चर्स करने वाले हैं, ढेर सारे। इन फ्रॉम जून मंथ We will be doing many, 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 many night lectures. तकरीबन तकरीबन हर हफ्ते में दो, तकरीबन तकरीबन कितने? हर हफ्ते में दो नाइट लेक्चर्स करेंगे फ्रॉम जून मंथ।
एंड मजा आएगा आपको पक्का, माहौल मचाएंगे, है ना। जून में एग्जाम है किसकी? जून में थोड़ी एग्जाम है, आप लोग की तो दिसंबर में है ना बेटा। चलो आ जाओ। सर क्लास परचेस क्यों बट लाइसेंस नंबर नहीं मिल रहा? क्लास परचेस करने पे कौन सा लाइसेंस नंबर देती है हमारी एकेडमी बेटा? ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो मेरे को बताया ही नहीं मेरी एकेडमी वालों ने कि लाइसेंस नंबर देते हैं कोई। तुम्हें दिया था कुछ लाइसेंस नंबर? मेरे को नहीं पता क्या है बेटा। हाँ चलो, सेल और अग्रीमेंट टू सेल और हायर परचेस में क्या फर्क है? चलो जल्दी से। सेल इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हायर परचेस अ हायरिंग अग्रीमेंट टू सेल। हायर एक हायरिंग अग्रीमेंट टू सेल है। सेल में पोजेशन कब जरूरी नहीं है तुरंत ट्रांसफर हो, हायर परचेस में ऑन द पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी सेल में? इमीडिएटली। हायर परचेस में ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। क्या बायर टर्मिनेट कर सकता है? नहीं चाहिए मेरे को गुड्स? नहीं, सेल में नहीं, हायर परचेस में यस। सेलर कब अपने गुड्स वापस ले जा सकता है? सेल में नहीं, हायर परचेस में यस। इफ बायर डिफॉल्ट किया पेमेंट में, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, सेलर जो है भाई साहब, सेलर जो है वो मैंने आपको बताया सेल के बाद वापस नहीं ले जा सकता, हायर परचेस में वापस ले जा सकता है। सेल रिटर्न हो ना हो चलता है, हायर परचेस रिटर्न ही होना चाहिए। लवली गाइस, बहुत बढ़िया गाइस, सेक्सी गाइस, एक नंबर गाइस, चली गाइस। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नाउ ध्यान देंगे, सर ब्लैक एंड व्हाइट बुक ऑर्डर करी थी, गलती से कलर हो गई है ऑर्डर। यार ब्लैक एंड व्हाइट आप प्रिंट कराना है तो अपने आसपास ही कहीं करवा लो यार, यहां से जाएगी आपको कोरियर चार्जेस बहुत लगेंगे, 800 रुपए कोरियर चार्जेस लगते हैं। उतना तो आप वहां अपने लोकल वेंडर से प्रिंट कराओगे ब्लैक एंड व्हाइट, तो उतना आपको उतना ही पड़ेगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कराना वहीं कराओ, कलर्ड यहां पे सस्ती पड़ेगी, तो कलर्ड नोट्स ऑर्डर करना तो यहीं से करना। और मैं तो बोलूंगा कलर्ड से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा चार्म आता है पढ़ने में तो। और वो ब्लैक एंड व्हाइट से, हाँ जिसकी बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो बात अलग है, अदरवाइज थोड़ा अगर अरेंज कर सकते हो पैसा तो कलर्ड ही बेस्ट है। कलर्ड से अच्छा कुछ नहीं, रंगीन होना चाहिए। क्यों भाई, जिंदगी और नोट्स दोनों। हाँ दो तीन दिन में, दो चार दिन लगेंगे आप लोग को, इन लोग को मिल गए, बाकी आप लोग को दो चार दिन में मिलेंगे। किसको नहीं मिले? आप तो मिल गए ना उस दिन जो मिले थे वो, अच्छा वो आप लोग को मिले थे। ठीक है आइए भाई, नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्त, सारे बच्चे ध्यान देंगे, आ जाओ। रोहिला जी कहते हैं नोट्स दुबई कोरियर हो सकते हैं क्या? हो जाएगा, मैं आऊंगा दिने, मेरी टिकट का खर्चा करा दो, मेरी आने जाने की टिकट करा दो, मैं नोट्स देने आऊंगा आपको। रहने का मेरे, मेरी मासी रहती है, मैं रह लूंगा मासी के घर, मेरी मासी दुबई रहती है, तो बस आप मेरी आने जाने की टिकट करा दो। रात की फ्लाइट भी चलेगी मेरे को, 2-3 बजे की, कोई इशू नहीं है मेरे को नींद का, तो आप बिंदास कराओ। 6,000 की हो, हाँ दुबई की जाने की फ्लाइट की टिकट 6-7 हजार की, अगर रात वाली है, एक 3-4 बजे वाली है कोई, तो उसमें 6-7 हजार में हो जाता है काम बस। तो करवा दो वो नोट्स, मैं लेके आऊंगा, कपड़े भी नहीं लाऊंगा आपके लिए कि वेट ज्यादा ना हो, मैं आऊंगा स्पेशल देने दुबई आपको। बुर्ज खलीफा में पढ़ेंगे हम, ऊपर वहां से लेक्चर लेंगे ऑनलाइन, शानदार। चलिए आ जाओ, मूविंग ऑन। नाउ ध्यान देंगे भाई, सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या फर्क है? आज आशीष सर का लेक्चर नहीं है गाइस, आशीष सर के पापा की तबीयत खराब है तो आशीष सर गए हुए अहमदाबाद। चलिए अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है ध्यान देना, ठीक है सारे बच्चे ध्यान दो प्लीज। सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर? क्या डिफरेंस है बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में? क्या लगता है जी आपको, क्या फर्क है सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में? बताओ जी, सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या फर्क है? बताओ जाना, बोलो जाना। हां जी, सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या फर्क है? बहुत मैंने सिंपल सी बात आपसे पूछी है, सेल में गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होती है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में एग्जैक्टली हमाली करवाते हैं, काम करवाते हैं, जैसे कि घर में काम वाली बाई आती है, वो सेल है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। अरे हाँ या ना,
अपने आशीष सर मसाज करवाने गए एक दिन, थाई मसाज। कौन सी मसाज? थाई मसाज करवाने के लिए गए अपने आशीष सर। हाँ नहीं 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 अच्छी जगह गए थे, ठीक है। अपने आशीष सर जो है थाई मसाज करवाने गए, थाईलैंड ही गए प्रॉपर थाई मसाज करवाने के लिए अपने आशीष सर। ये सेल है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। आपके घर कपड़े धोने वाली बाई आती है तो वो सेल है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। आपके घर चूना लगाने वाले लोग आए, मिनटों से पेंट करने वाले लोग आए, ठीक है, पेंट करने वाले लोग आए, है ना, व्हाइट वॉश किया, ये क्या है? सेल की कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। समझ आया? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर एक ऐसी चीज है जहां पे आपकी स्किल यूज होती है, राइट पीपल? चलिए ओके। हाँ जी, डिफरेंस है ना, वही तो, इसलिए तो हम कह रहे हैं सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर अलग है। सेल में क्या ट्रांसफर होती है? ओनरशिप। यहां पे कोई ओनरशिप एंड ऑल कुछ ट्रांसफर नहीं होगी, यहां पे सिर्फ कोई अपने काम करेगा और अपने काम का पैसा ले जाएगा। डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। गुड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब आज देखेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स। आ जाओ बच्चों, टाइप्स ऑफ गुड देखेंगे, जल्दी से आ जाओ प्लीज सभी लोग। टाइम टेबल आ जाएगा, आप इस पर ध्यान दो अभी। चलिए अभी ध्यान दीजिए इस पर, जल्दी से बच्चे ध्यान देंगे। और जितने लोग यहां आए हैं बेटा, तुमने कल का लेक्चर, जिन्होंने लाइक नहीं किया और कल के लेक्चर में कमेंट नहीं किया, बेटा देखो गरुड़ पुराण में अलग सजा है इसकी। जो यूट्यूब पे लेक्चर होते हैं उसमें लाइक और कमेंट करना अनिवार्य है, ये ना करने पे दंडनीय परिणाम होंगे। कौन से परिणाम? दंडनीय, डंडे डंडे पड़ेंगे, इसलिए करना आवश्यक है। जो फेस टू फेस बैठे उनको भी तो आज जाना कल के लेक्चर में, और आज के लेक्चर में जरूर से कमेंट करना, अच्छी अच्छी बड़े 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 पेजेस लिखना। चलिए टाइप्स ऑफ गुड्स देखते हैं, कितने प्रकार के गुड्स होते हैं, आइए लेट्स हैव अ लुक कितने प्रकार के गुड्स होते हैं। पहला है एग्जिस्टिंग गुड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टिंग गुड्स? एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब क्या? जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त प्रेजेंट हो, ऐसे गुड्स को कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त क्या हो? प्रेजेंट हो, ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है। आइए एग्जिस्टिंग गुड्स कितने प्रकार के होते हैं आइए समझते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट विच आर पजेस्ड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय है, लाइक मैं ये फोन बेच रहा हूं आपको और ये फोन मेरे पास अभी है, मैं आपको ये फोन बेच रहा हूं और ये फोन अभी मेरे पास है, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? एग्जिस्टिंग गुड्स। अरे यस और नो, ये टी शर्ट मुझे बेचना है, टी शर्ट अभी मेरे पास है, तो ये क्या हो गया? एग्जिस्टिंग गुड्स। ये चश्मा बेचना है, चश्मा अभी मेरे पास है, तो क्या हो गया? एग्जिस्टिंग गुड्स। जो आपके पास है वो बेचना है, वो क्या है? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग गुड्स कितने प्रकार के होते हैं ध्यान देना। सबसे पहला होता है स्पेसिफिक गुड्स। सबसे पहला कौन सा? स्पेसिफिक। व्हाट इज स्पेसिफिक गुड्स? ध्यान देंगे एवरीवन, व्हाट इज स्पेसिफिक गुड्स? आइए समझते हैं दोस्तों। किसी स्टूडेंट ने ये बनाया था, किसी स्टूडेंट ने पिछली बैच की ये बनाया था। अब मान लो से फॉर एग्जाम्पल कि किसी स्टूडेंट ने ये बनाया था, राइट। अब हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है क्या कहते हैं, नरोत्तम शशांक मिश्रा, ठीक है। नरोत्तम शशांक मिश्रा कहते हैं सर मेरे को ये प्लीज चाहिए, ये फोटो मेरे को चाहिए सर। अब मैंने कहा, कहते यही वाली चाहिए। अब ये जो गुड्स है मान लेते हैं गुड्स है, और है ही गुड्स, वैसे भी बिक सकता है। तो मान लो ये जो गुड्स है क्या आइडेंटिफाइड है? आइडेंटिफाइड मतलब पता है, असर्टेंड है, असर्टेंड मतलब पता है, हाँ यही है, यही चाहिए। तो भाई ध्यान देना, इसे कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स। क्या कहते हैं इसे? स्पेसिफिक गुड। सामने से ही नरोत्तम जी ने बोल दिया मुझे यही वाला चाहिए सर, यही यही चाहिए, इसे कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स। बोले क्या कहते हैं इसे? अरे बताइए क्या कहते हैं इसे? वी कॉल इट एज अ स्पेसिफिक गुड्स, याद रखना। क्या कहते हैं इसे बेटा? स्पेसिफिक गुड्स। अरे समझ में आया क्या? आया नहीं आया? क्या होता है स्पेसिफिक गुड्स? जो आपको समझ में आ रहा है कि यही चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई मेडिकल शॉप में गए और बोला, एक ही आइटम पड़ा था वहां पे, एक ही पैकेट पड़ा था, बोले यही वाला पैकेट चाहिए, कुरकुरे का एक ही पैकेट पड़ा था, तो वो क्या है? स्पेसिफिक गुड्स। मान लीजिए आप आए, मेरी बॉटल की दुकान है, एक ही बॉटल थी, आपने बोला यही वाली बॉटल चाहिए, ये क्या है? स्पेसिफिक गुड्स। अरे बोलो यस और नो, अरे हाँ या ना, अरे समझ में आ रहा है क्या? तो सर स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? विच इज आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन, विच इज आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन। जैसे यहां एग्जांपल दिया है, माइकल अग्रीज टू बाय रेड एवन साइकिल ऑफ रोजी, एंड रोजी हैज ओनली वन साइकिल। माइकल रोजी को कहता है मुझे तेरी चाहिए क्या? साइकिल। और रोजी कहती है मेरे पास एक ही है क्या? साइकिल। और माइकल कहता है वही वाली चाहिए जो तेरी एक ही है, साइकिल। तो ये क्या है?
स्पेसिफिक गुड्स, समझ रहे? स्पेसिफिक मतलब समझ आया क्या कि नहीं आया? स्पेसिफिक मतलब समझ आया नहीं आया? स्पेसिफिक मतलब क्या? आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड. बोलो क्या? आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड. फिर से बोलो क्या? आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड. एक बार फिर से बोलो क्या बेटे? आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड. अब आते हैं अनअसर्टेन गुड्स पे. किस पे आते हैं? अनअसर्टेन. आइए अनअसर्टेन गुड्स को समझते हैं. एक मिनट रुकना, लेट्स अंडरस्टैंड अनअसर्टेन गुड्स. दो बॉटल वॉटल दो. अनअसर्टेन गुड्स को समझते हैं, ठीक है? किसको बेटा? बस बहुत हो गई है, मजाक मजाक में ज्यादा ले लिया. हाँ जी, अनअसर्टेन गुड्स को समझते हैं. मैं बेचता हूं बॉटल भाई साहब. क्या बेचता हूं? पानी की बॉटल बेचता हूं, ठीक है? पानी की बॉटल बेचता हूं, गली गली गांव गांव घूमता हूं और पानी की बॉटल बेचता हूं. एक दिन मेरे सामने एक ग्राहक आए. कौन आए? ग्राहक. कौन थे वो ग्राहक? कौन थे वो ग्राहक? निकिता. कौन है? निकिता. चलो ठीक है. अब मान लो सिंपल एग्जांपल, ऑनलाइन एग्जांपल लेते हैं, ऑनलाइन बच्चों का. मान लो ठीक है, क्या नाम है? करण भाई, करण कलाल जी जो है मेरे पास आए. करण कलाल. करण कलाल कहता है मेरे को, ध्यान देना, कि सर बॉटल चाहिए. क्या चाहिए? बॉटल. अब मेरे को बताओ यहां एक बॉटल है कि अनेक बॉटल है? एक की अनेक. अनेक है पक्का? यस. तो यहां पे अनेक बॉटल है, बहुत सारी बॉटल है. तो इसे कहते हैं अनअसर्टेन्ड. क्या कहते हैं? अनअसर्टेन्ड. फिर चलो क्या कहते हैं? अब आपने कहा सर गुलाबी वाली चाहिए. कौन सी चाहिए? आपने कहा मोदी सर गुलाबी वाली चाहिए, ये गुलाबी वाली चाहिए, बेबी पिंक कलर वाली चाहिए, ये वाली चाहिए. तो ये क्या है? हा? कौन सा पिंक है? अच्छा बेबी पिंक नहीं है, पिंक है ये. तो बेबी पिंक कैसा होता है? लाइट होता है, ठीक है. लेडीज से बहस नहीं कर सकते कलर के मामले में, क्यों भाई? अभी ध्यान देना. तो ये पिंक कलर की बॉटल चाहिए. आपने कहा गुलाबी बोलते हैं हिंदी में इसको, तो आपने कहा गुलाबी कलर की बॉटल चाहिए. अब पहले तो बहुत सारी बॉटल थी, तो वो क्या हो गया? अनअसर्टेन्ड. लेकिन उसमें से एक निकाले, इसे कहते हैं असर्टेन्ड. क्या कहते हैं इसे? असर्टेन्ड. अच्छा मेरे पास एक ही बॉटल थी, तुमने कहा मोदी सर यही चाहिए, स्पेसिफिक. इसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक ही बॉटल है मेरे पास मां की आंखें, एक ही बॉटल है मेरे पास, तुम कहते हो मोदी सर यही वाली चाहिए, इसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक. मेरे पास चार बॉटल है, एक दो तीन और ये चार. आप आए मोदी सर बॉटल चाहिए, अब कौन सी चाहिए तो मुझे नहीं पता, ये कौन सा है? अनअसर्टेन. फिर बोले धीरे से सर काली वाली देना. कौन सी देना? काली वाली देना. क्या देना? काली वाली देना. तो अब ये अनअसर्टेन से क्या हो जाएगा? असर्टेन. अनअसर्टेन से क्या हो जाएगा? असर्टेन. समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है क्या? आप एक मॉल जाते हो, मॉल में देखते हो आपको से फॉर एग्जांपल लेस खरीदने हैं, भाई सब भंडार लगा होता है लेस का, तो वो अनअसर्टेन है. लेकिन तुम उसमें से फिर एक चूज करते हो, वो क्या है? असर्टेन. क्या है वो? असर्टेन. यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना. हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है संदीप, संदीप चले गए मसाज करने, 18 लड़कियां थी, इसको बोला गया चूज करो किससे करना चाहते हो. अभी क्या है? अनअसर्टेन. भाई ने चूज किया दिस वन, तो वो क्या हो गया? असर्टेन. एक ही थी, स्पेसिफिक. अरे समझ में आ रहा है क्या? स्पेसिफिक मतलब जो आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड है, अलग 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 सलग एकदम. लेकिन उसी सेम प्रोडक्ट में बहुत सारे पड़े हुए हैं. लाइक आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल टीवी खरीदने जाते हो, भाई तकरीबन 50 टीवी हैं, तो ये क्या है? अनअसर्टेन. फिर आपने चूज किया एक उनमें से, तो वह है असर्टेन. एग्जैक्टली. अब इसको लर्न कैसे करेंगे बेटा? तो स्पेसिफिक गुड्स में तो याद रखना आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन. गुड्स विचार आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन. फिर चलो स्पेसिफिक गुड्स कौन से विचार? आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन. फिर चलो स्पेसिफिक गुड्स कौन से विचार? आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन. फिर चलो स्पेसिफिक गुड्स कौन से विचार? आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन. फिर चलो स्पेसिफिक गुड्स कौन से विचार? आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन. फिर चलो स्पेसिफिक गुड्स कौन से विचार? आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन. बहुत बढ़िया. असर्टेन, पहले अनअसर्टेन टिक लो. अनअसर्टेन कौन से हैं? विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड. विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं है. और असर्टेन कौन होंगे?
विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड आइडेंटिफाई. एक्सट्रैक्टेड मतलब निकाला जाता है, समझे, बहुत सारी चीजें उनमें से जब एक निकालेंगे तो एक्सट्रैक्ट करना बोलते हैं. क्या करना, एक्सट्रैक्ट. विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड आइडेंटिफाइड, विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड आइडेंटिफाइड. याद रखना, जैसे कि आप एक जगह गए, वहां पे बहुत सारे रेडियो सेट हैं, बहुत सारे, तो सारे सेट कौन से अभी अनसर्टेड, क्योंकि पता नहीं है कौन सा आपको मिलेगा, यस और नो. अरे सही बात है क्या, अरे बोलो हाँ या ना. लेकिन बहुत सारे, जैसे आप गए एक दुकान में, वहां 10 कॉफी मग थे, आपने से उसमें से एक चूज किया, तो वो जो एक चूज किया वो क्या बन जाएगा, असर्टेड. शानदार, समझ आ गया. अरे समझ आ गया क्या, माइकल रोजी के पास गया साइकिल खरीदने, रोजी के पास एक ही साइकिल है, क्या है, स्पेसिफिक. रोजी के पास 10 है साइकिल, अनअसर्टेड. उसने फिर 10 में से एक चुना, असर्टेड. सीख गए और क्या है. तो याद रखना, स्पेसिफिक मतलब विच इज आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड, अनअसर्टेड मतलब विच इज नॉट आइडेंटिफाइड, not ascertained, which is not identified, not agreed to be supplied, ठीक है, जो अभी मतलब not agreed to be supplied कहता, not agreed to be क्या लिख सकते हो कि not agreed to be ascertained, या फिर नहीं sorry, which are not unascertained में लिखोगे, which are not identified and not yet decided which part is to be delivered, ठीक है, अभी तक decide नहीं हुआ which part is to be delivered and not yet identified, इसे क्या कहते हैं, unascertained. But when you will extract and identify out of the bulk, that is a asserted. बोलो yes or no. पक्का समझ में आया क्या? तो existing goods कौन से थे जो contract करते समय exist करते हैं? Specific goods तीन प्रकार के होते हैं. बोलो कौन से? Specific, unascertained, ascertained. Which are identified and agreed is specific. Which is not identified, unascertained. Which are extracted and identified, ascertained. Sexy, बढ़िया, awesome. Next है future goods. Now what do you mean by future goods? आइए देखते हैं future goods क्या है. माधवी भाभी के घर चले गए अपने चंपक चाचा. माधवी भाभी के घर कौन चले गए? अपने कौन गए? अपने चंपक चाचा चले गए माधवी भाभी के घर. भिड़े घर पे नहीं था, भिड़े घर पे नहीं था, अपने चंपक चाचा माधवी भाभी के घर गए. बोले माधवी, आई वॉन्ट अ फ्लेवर, कहता हूं फेवर, आई वॉन्ट अ फेवर. माधवी भाभी कहती क्या फेवर करूं? तो अपने चंपक चाचा कहते हैं मुझे तुम्हारे हाथों का अचार चाहिए. क्या चाहिए? तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ अचार. माधवी भाभी कहती अभी रेडी तो नहीं है, अभी रेडी तो नहीं है. कहती है चंपक चाचा कहते हैं बनाओ ना, मैं यहीं बैठा हूं. क्या कहते हैं चंपक चाचा? बनाओ, मैं यहीं बैठा हूं. ठीक है, बच्चे जो है नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं, टप्पू सोनू वो सब, ठीक है भाई. तो चंपक चाचा जो है माधवी भाभी से क्या बनवा रहे हैं? अच्छा, चंपक चाचा ने डील कर ली माधवी भाभी के साथ कि ये लो 5,000 रुपए, मुझे 5,000 का आम का अचार दे दो. लेकिन अचार अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, अचार माधवी भाभी कह रही अभी नहीं बन सकता है, अचार बनाऊंगी मैं 3 दिन बाद. तो आज जो अचार के बारे में बात हो रही है वो एग्जिस्टिंग गुड्स है कि फ्यूचर गुड्स? फ्यूचर गुड्स, क्योंकि अभी तक वो मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ. अरे समझ में आ रहा है क्या? मेरी शर्ट बनाने की दुकान है, मैं शर्ट मैन्युफैक्चर करता हूं. आप आए बोले मोदी सर 1,00,000 शर्ट चाहिए. मैंने कहा भाई 1 महीने बाद दूंगा. आपने कहा चलेगा, ये पैसा लो एडवांस, 1 महीने बाद देना. ये क्या हो गया? फ्यूचर गुड्स. जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एग्जिस्ट नहीं करते उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर गुड्स. एग्जैक्टली, फ्यूचर गुड्स आर गुड्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस. ऐसे गुड्स जो अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं हुए, अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुए, ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं राजा? फ्यूचर गुड्स कहते हैं. एक मिनट रुकना. हेलो हेलो, हाँ जी हाँ, ये नौकार मैजिस्टिक में आना भैया आपको, शांतिनगर के बाजू में. नौकार मैजिस्टिक शांतिनगर के बाजू में. मैं आपको एड्रेस का गूगल मैप भेजता हूं. ये अपना आप ये पता है क्या आपको? गंगाधाम पता है? गंगाधाम से ऊपर साइड जाते हैं अपर साइड, इस्कॉन टेम्पल के तरफ. तो बस इस्कॉन टेम्पल की जो गली है ना, लेन है ना, वहीं पे शांतिनगर है. किसी से भी पूछना शांतिनगर सोसाइटी, उसके जस्ट बाजू वाली बिल्डिंग है राजगुरोही, और राजगुरोही के जस्ट बाजू में नवकार मैजिस्टिक, वहीं आना है. उसमें ए विंग 1002. बस वही व्हाइट और ग्रे कलर की बिल्डिंग है. यस हाँ घर पे हैं, आ जाओ. ठीक, चलिए आ जाओ. अब सारे बच्चे ध्यान देंगे. आइए जी,
सो फ्यूचर गुड्स क्या है? विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, विच आर टू बी प्रोड्यूस्ड. ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर गुड्स. विच आर टू बी जो बेसिकली अभी तक हुए नहीं है, विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी प्रोड्यूस, ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर गुड्स. अरे बोलो यस और नो. अरे बोलो हाँ के ना. तो याद रखना, विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी प्रोड्यूस, ऐसे गुड्स को हम फ्यूचर गुड्स कहते हैं. जैसे रामलाल ने अग्री किया, रामलाल ने अग्री किया कि वो श्याम राय को एप्पल देगा, लेकिन अपकमिंग सीजन में, अभी तक सेब उगे ही नहीं है, जब उगेंगे तब देगा. तो ये कौन से गुड्स हो गए? फ्यूचर गुड्स. समझ में आ गया? जो अभी एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है? एग्जिस्टिंग. जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते वो क्या है? फ्यूचर. एज सिंपल एज दैट. यू आर वेरी करेक्ट नाउ. वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे भाई, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, ऑसम, सेक्सी, बढ़िया. चलिए जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार. नेक्स्ट है कॉन्टिनजेंट गुड्स. बोलो क्या बेटा? कॉन्टिनजेंट गुड्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिनजेंट गुड्स? ऐसे गुड्स जो किस चीज के होने या ना होने पे डिपेंड करते हैं. ऐसे गुड्स जो किस चीज के होने या ना होने पे डिपेंड करते हैं, ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं? कॉन्टिनजेंट गुड्स. आपको अब्बड़ सर की घड़ी पसंद आ गई, आपने कहा मोदी सर वो घड़ी चाहिए, अब्बड़ सर हमें नहीं बेच रहे. मैंने कहा मैं आपको वो घड़ी बेचूंगा प्रोवाइडेड अब्बड़ सर मुझे बेचे. अगर अब्बड़ सर मुझे बेचेंगे तो मैं आपको बेचूंगा. तो ये गुड्स कौन से हो गए? कॉन्टिनजेंट. अब्बड़ सर मुझे बेचेंगे तो मैं आपको बेचूंगा, कंडीशन पे डिपेंड करता है. अब्बड़ सर मुझे नहीं बेचेंगे तो मैं तो फिर बेच ही नहीं पाऊंगा. ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनजेंट, विच एग्जैक्टली डिपेंड ऑन सम कंडीशन, विच एग्जैक्टली डिपेंड ऑन सम कंडीशन. लाइक हमने कहा कि अगर आज के दिन बारिश आ गई तो ही गुड्स बेच पाऊंगा, नहीं आई तो नहीं बेच पाऊंगा. ये भी गुड्स कौन से हो गए? कॉन्टिनजेंट. मैंने आपको कहा कि भाई आज मेरा ट्रक आ गया तो ही आज बेचूंगा, नहीं आया तो नहीं बेचूंगा, ट्रक आया तो बेचेंगे, नहीं तो नहीं. कॉन्टिनजेंट गुड्स, यस और नो? अरे हाँ या ना बेटे, समझ में आ रहा है? सो गुड्स भी डिपेंड्स एक्चुअली ऑन सम कंटिनजेंसी, विच मे और मे नॉट हैपन. ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? अरे बोलो, कॉन्टिनजेंट गुड्स. इजी है पीपल? लवली गाइस, समझ में आ रहा है सभी को? बोलो हाँ या ना. वेरी श्योर? पक्की बात? अरे बोलो. चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार. सर 12:30 से 12:30 सीलो है, वो 11:30 से 12:30 होगा, गलती से लिख दिया होगा 12:30 से 12:30 बेटा, समथिंग समथिंग समथिंग. अब कल गड़बड़ सर की क्लास आ गया है, अब 6 मिनट बाकी हैं. गड़बड़ नहीं है वो, अड़बड़ है वो, मेरा मतलब है अब्बड़ है वो. गड़बड़ सर, सर वेबसाइट पर बुक ही मिलेंगे या बुक में यही नोट्स हैं या अलग हैं? यही नोट्स हैं बाबू, यही नोट्स मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो. वी विल गिव यू दिस नोट्स ओनली जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, टेंशन लेने का नहीं, देने का. चलिए आओ एक एग्जांपल लेते हैं लास्ट, ठीक है, और गुड्स को, आज के टॉपिक को खत्म करते हैं. कल रविवार है, एंजॉय कीजिएगा. एंड मेरा इस 25th को मेरा घर पे थोड़ा फंक्शन है हाउस वार्मिंग का, तो मैं 24 से मैं लीव पे रहूंगा 4 दिन. सो मैं 4 दिन छुट्टी है मेरी, आई एम सॉरी गाइच, 4 दिन छुट्टी है, उसके बाद ही मैं मिलूंगा आपसे. सो यस विल मीट देन ऑन आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स शुरू करेंगे, मैं आपको बता दूंगा सब कुछ, ठीक है. एग्जैक्टली, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे लेक्चर्स होंगे ही होंगे, ठीक है. टाइम टेबल एंड ऑल एवरीथिंग यू विल गेट इन एडवांस, तो उसकी टेंशन मत लेना, आप सारी चीजें पता चल जाएगी. चलो भाई एक लास्ट लेते हैं एग्जाम्पल, बढ़िया सा, मस्त सा, सेक्सी सा, बढ़िया सा, एंड देन फिर विल वाइंड अप, राइट पीपल? चलो आ जाओ. ओके शुरू करते हैं. दो लोग आ जाओ, कोई आ जाओ, कोई भी आ जाओ, आ जाओ अंकित बाबू, आ जाओ, आओ अंकित भाई आओ, अरे आओ यार. और कौन आएगा? और कौन आएगा? अरे आओ, कोई भी आओ यार, आजा तू, आजा भाई, आजा आजा. क्या नाम है तेरा भाई? जैन. जय भाई, मैं कहा जैन तो सब नेम होता है, जय, ठीक है. और भाई छोटा भी नहीं लग रहा है तू, कहता छोटा भाई, साले छोटा भाई भी नहीं दिख रहा तू इसके सामने. खाया पिया घर में क्या? चलो ठीक है. अब मान लो से फॉर एग्जाम्पल जय जो है इसके पास एक घोड़ा है. जय के पास क्या है? एक घोड़ा है ना, क्या नहीं, जय के पास है.
जैक के पास एक सुंदर घोड़ा है जो ये सुबह सुबह घोड़े से सवारी लेके तुबड़ुक 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 निकलता है। अब ये बालकनी से रोज जैक को घोड़े पे सवार देखता है। भाई जो है अंकित, वो बालकनी से रोज क्या देखता है? जैक को बलमा घोड़े पे सवार। तो अंकित जो है वो देखता है बलमा को कि वो घोड़े पे सवारी लेके तुबड़ुक 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 तुबड़ुक, ठीक है। अब अंकित का दिल आ गया घोड़े पे। अंकित का क्या आ गया? घोड़े पे आ, घोड़े पे दिल आ गया। तो भाई गया, अंकित गया जय के पास। जय को कहता है भाई तेरा घोड़ा चाहिए यार। क्या कहते हैं? तेरा घोड़ा चाहिए यार, तकरीबन समझ ले 1 लाख रुपए तक दे सकता हूं उस घोड़े के लिए मैं। तो उसने कहा ठीक, 1 लाख रुपए दे, घोड़ा तेरा, घोड़ा तेरा। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, इससे भी नहीं पता और इससे भी नहीं पता कि घोड़ा इंजर्ड हो चुका है। घोड़ा क्या हो चुका है? इंजर्ड। अब वो दौड़ने की हालत में नहीं है, दौड़ने की क्या चलने की भी हालत में नहीं है। घोड़ा लुल पड़ गया है, मतलब अब वो उठ नहीं सकता। क्या नहीं सकता? उठ नहीं सकता। क्या नहीं सकता? घोड़ा अब उठ नहीं सकता। बहुत भारी इंजरी हो गई है घोड़े को, है ना। ऐसा ये जब दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, दोनों को पता नहीं है, व्हेन दे वर कॉन्ट्रैक्टिंग विद ईच अदर, ये बात दोनों को नहीं पता, दोनों इस फैक्ट को नहीं जानते कि घोड़ा मर चुका है। अब ऐसे केस में लॉस किसका होगा? अंकित का कि तेरा? लॉस किसका होगा? लेकिन जब तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों को ही नहीं मालूम है कि घोड़ा मर चुका है या फिर इंजर्ड है। मतलब मानो खराब हो चुका है घोड़ा, लेकिन ना तुझे पता है ना तुझे पता है, और तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। लॉस किसका? लॉस किसका? इसका लॉस किसका? लॉस, लॉस अंकित का, बायर का कि सेलर का? जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, घोड़ा उसके पहले से ही बीमार है। लॉस किसका? सेलर और बायर। ही इज अ सेलर, ही इज अ बायर। लॉस किसका? सेलर और बायर। सो लॉस इज ऑफ सेलर, रीजन बीइंग ओनरशिप तभी ट्रांसफर होती जब बेसिकली वो घोड़ा जिंदा होता। अगर मान लो जब घोड़ा सही होता और ये लेके जाता, उसके बाद घोड़ा बीमार होता, तो इसका लॉस होता। लेकिन यहां पे सेलर का इसलिए लॉस है भाई, बहुत सिंपल सा रीजन है उसका, कि भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, अग्रीमेंट ही वॉइड है। क्यों अग्रीमेंट वॉइड है? क्योंकि इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ द पार्टी। इसको लगा घोड़ा अच्छा है, इसको लगा घोड़ा अच्छा है, इसको लगा घोड़ा तंदुरुस्त है, इसको लगा घोड़ा तंदुरुस्त है, ये तो खुश था एकदम। लेकिन दोनों को ही नहीं पता कि घोड़ा इंजर्ड है। दोनों को ही नहीं पता था कि घोड़ा क्या था? इंजर्ड था। लॉस किसका होगा? सेलर का। अरे बोलो यस और नो। तो बस यही बात है कि अगर कोई स्पेसिफिक गुड, जैसे कि घोड़ा पेरिश हो चुका है, मतलब खराब हो चुका है, और दोनों पार्टी को इसके बारे में बात नहीं पता है, और दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, ऐसे केस में याद रखना मेरी जान, बनारस की पान, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है? वाइड है। कॉन्ट्रैक्ट ही वाइड है। बोलो यस और नो। अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। अगर सेलर को पता था, इसको पता था मेरा घोड़ा साला खराब है फिर भी बेच रहा है, तो फिर इसको डैमेजेस देने पड़ेंगे, इसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। गलत किया तू, तू गलत किया। अगर तेरे को नॉलेज में था तो तूने गलत किया, सही बात है। और अगर से ये कॉन्ट्रैक्ट अनअसर्टेन गुड्स का, अनअसर्टेन मतलब बहुत सारे गुड्स है, बहुत सारे घोड़े हैं इसके पास, तब भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा, तब भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। रूल सिर्फ कब अप्लाई होगा? जब स्पेसिफिक गुड्स है, एक ही घोड़ा था मान लो, तब ये रूल अप्लाई होगा। समझ में आया क्या रूल? कि अगर घोड़ा खराब है, एक ही घोड़ा था, वो खराब हो गया, इंजर्ड हो गया, दोनों पार्टी को इस बारे में पता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड होगा, अग्रीमेंट ही वॉइड है, बोलो यस और नो। लेकिन ये रूल दो केसेस में अप्लाई नहीं होता। दो केस कौन से हैं? पहला केस जब इसको पता था तो इसको डैमेजेस देने पड़ेंगे, दूसरा जब अनअसर्टेन गुड्स, मतलब इसके पास मान लो तकरीबन 10-15 घोड़े हैं, तब भी फिर इसको अच्छा वाला घोड़ा इसको देना पड़ेगा। यस और नो, जो तेरे को पसंद हो। चलिए ओके बैठो। ओके गाइस चलिए, बहुत बढ़िया। वाई आर प्लानिंग फॉर दिसंबर 23? बेटा प्लानिंग के लिए एक जूम मीटिंग करेंगे अपन, और जो जनवरी में जो उन्होंने एडमिशन लिया था उनके लिए भी एक जूम मीटिंग होने वाली है, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए अलग होगी। चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए डन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत अच्छा लगा आज की क्लास करके। एंड SBLL आपका बाद में शुरू होगा, मैं आपको बताऊंगा कब से। एंड हाँ, जो हमारे जनवरी वाले बच्चे हैं, जो जनवरी में से हैं यहाँ पे, उनका SBLL होगा आज एप्लीकेशन में। लेकिन जो हाँ नए बच्चे हैं, उनका नई बैच कब शुरू होगी वो आपको अपडेट मिलेगा। थैंक यू सो मच पीपल, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कम जी लो, एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, लव यू गाइस, थैंक यू गाइस। सर ऑफिस में आके एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, आ जाइए, मोस्ट वेलकम। चलिए थैंक यू सो मच। एंड यस, एडमिशन की आज लास्ट डेट है, आज मतलब कल जो जरूर करा के खत्म कर लीजिए, है ना। वी विल क्लोज ऑनलाइन एडमिशंस।
आफ्टर दैट. सो ऑनलाइन एडमिशन आपके क्लोज हो जाएंगे तो करवा लीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू सो मच, थैंक यू, बाय गाइज़.